तो गाइस हमारे पास प्राइवेट बुकिंग लगी हुई है। कस्टमर के घर के बाहर हम पहुंच चुके हैं। बस कस्टमर और 15-20 मिनट में रेडियो के आने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर का डिस्टेंस है, क्या चार्जेस लिया, वीडियो में सब कुछ मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम सभी भाइयों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए और एक ब्लॉग में। तो दोस्तों, पहले समय की बात करें तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। लेट निकलने का कारण ये भाई कि हमारे पास आज प्राइवेट बुकिंग है। सुबह ही हमें कस्टमर का कॉल आ गया था कि सर खन्ने शहर जाना है, वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, कस्टमर ने दर्शन करने के लिए जाना है अपनी फैमिली के साथ, उनको शाम को वापस भी लेके आना है। तो मैंने कहा भाई चलो फिर आज आराम से निकलते हैं, घर से मस्ती मारते हैं थोड़ी। तो आज घर से लेट ही निकले हैं, मतलब निकले 2:30 बजे के आसपास निकले थे। कस्टमर के घर के बाहर पहुँच चुके हैं। जो मेरे घर से कस्टमर का डिस्टेंस है वो 2-2.5 किलोमीटर का है। कस्टमर घर के बाहर खड़े हैं, बस वो आने वाले हैं 10 मिनट तक, और यहाँ से हम निकलेंगे खन्ना शहर की ओर। खाटू श्याम मंदिर उन्होंने दर्शन करने हैं। तो मेरे जो बात करें डिस्टेंस की, लुधियाना शहर से टिब्बा रोड से जो खाटू श्याम मंदिर खन्ने का डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर का है। 45 किलोमीटर जाना है, 45 किलोमीटर आना है, कि 90 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, क्या रहेगा फेयर, और बीच में हम कहाँ कहाँ रुकेंगे, जो कुछ भी रहेगा वीडियो में सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भाई। पर एक बीच बात बोलेंगे भाई, आज बाबा के दर्शन करने को हमें भी मिलेंगे। बहुत मन था काफ़ी टाइम से कि खाटू श्याम मंदिर जाके हम भी दर्शन करके आएँ। तो आज बाबा ने किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी बहाने से मुझे बुला ही लिया, चाहे वो पैसेंजर लेके जा रहा हूँ प्राइवेट बुकिंग, तो इसी बहाने हम भी दर्शन कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जल्दी से प्लीज़ आप लोगों का प्यार चाहिए, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पूरे कर दो। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मेरा नाम है अंकित, आप देखें अंकित सिंह ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, कैसे आप सब लोग? तो दोस्तों भाई, अभी लुधियाना शहर से हम तकरीबन 25 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और जो हमारे पैसेंजर थे भाई, उन लोगों को लग गई भूख। अब हम पीछे देख सकते हैं भाई, हमारे ढाबा है, ढाबे का नाम है जी न्यू पंजाब ढाबा, वहाँ पे रुके हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारे भाई साहब हैं, कस्टमर है जिनको हम लेके जा रहे हैं खन्ने खाटू श्याम मंदिर दर्शन कराने के लिए। बाकी उनकी फैमिली वगैरह वो सामने पीछे देख सकते जी, वो बैठी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर करेंगे भाई थोड़ा बहुत कुछ खाएँगे पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। बाकी ये भाई चंडीगढ़ हाईवे है, चंडीगढ़ का रास्ता जा रहा है सीधा बंदेयाल जी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कितनी देर से फ्री होते हैं। और बाकी बात करें भाई फेयर की, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको बताया था कस्टमर से हमने कितना फेयर लिया, क्या लिया, जो भी रहेगा वो तो आगे अपडेट करूँगा। तो भाई ये राइड लगा के मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि एक सिंगल राइड है और एक सिंगल राइड से पूरे दिन भर की कमाई होने वाली है आज। ठीक है, बाकी अब करते हैं भाई यहाँ पर, हम भी कुछ खाते पीते कस्टमर के साथ बैठ के, और उसके बाद आगे चलेंगे मंदिर पहुँच के, वहाँ के आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे आपको भी, और दिखाएंगे कैसा बना हुआ मंदिर, जो कुछ भी रहने वाला है। बीच में आपको आगे करता रहूँगा बीच बीच में अपडेट। जी गाइस, कैसे आप सब लोग? तो आप देख सकते हैं भाई खाटू श्याम धाम हम पहुँच चुके हैं, और समय की बात करें तो 4:53 हो रहा है। और ये खाटू श्याम मंदिर है जी, लुधियाने से तकरीबन 45 किलोमीटर के आसपास। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये हमारे पैसेंजर है जो उतर रहे हैं अभी गाड़ी में से। तो अब जाएँगे अंदर दर्शन करने, और दर्शन करके आते हैं, उसके बाद क्या सीन रहने वाला है, कहाँ को जाते हैं। जाना तो वापस घर की ओर ही है। यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे बाबा के दर पर, थोड़ी प्रार्थना करेंगे और बाबा से आशीर्वाद लेंगे कि हमारे जीवन भी सुख बख्शे बाबा। बाकी जो कुछ भी रहने वाला है फेयर में आपको एंड में बताऊँगा भाई, लास्ट अपडेट में आपको घर जाने से पहले ज़रूर देखे जाऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आप पूरी देखते रहें। और ये वैसे सारा व्यू है, सामने हाईवे ही है, मेन रोड, खन्ने से अंदर एक रास्ता मुड़ता है खाटू श्याम मंदिर के लिए, बाबा के मंदिर के लिए। हाईवे के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप नज़ारा सारा भाई, पहुंच चुके हैं। ये सामने कोई फैक्ट्री है किस चीज़ की है तो पता नहीं, बाकी ये सारा बहुत बढ़िया एरिया, खुला डुला एरिया है, आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और बाबा के दर्शन भी पा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अंदर, चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और फिर देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से फ्री होते हैं, घर की ओर चलते हैं। जो भी रहेगा मैं आपको एंड में अपडेट ज़रूर करूँगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है जी, बहुत ही निराला अद्भुत नज़ारा है जी, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। वो सामने हमारे बाबा श्याम बैठे हैं, साथ में वो राधा कृष्ण राधा रानी, और यहाँ पर देख सकते हैं संगत बैठी हुई है जी। पहुँच गया जो बताया था ना आपको खन्ने शहर, खाटू श्याम मंदिर जा रहे मत्था टेक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, कर लीजिए दर्शन आप लोग भी। गाइस कैसे आप लोग? तो भाई बाबा जी का हम आशीर्वाद लेके मंदिर से बाहर आ चुके हैं,
वो मंदिर का देख सकते हैं, आपका एंट्रेंस गेट है जी, ये पूरा पीछे मंदिर है। तो भाई हमारे जिन पैसेंजर को लेके आए हैं वो भी अंदर ही बैठे हैं, वो थोड़ी देर अंदर बैठेंगे। और समय की बात करें तो भाई अभी इस समय 5:30 का हो रहा है, लगभग 6 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे, 3 बजे घर से निकले थे, और जितने बजे भी घर पहुँचेंगे वो तो मैं आपको अपडेट कर ही दूँगा। तो भाई आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई बहुत सुकून मिला, मैं ज़िंदगी में पहली बार बाबा श्याम के दरबार पर आया हूँ, आज से पहले कभी नहीं आया था। नाम बहुत सुना था और ये भी सुना था कि बाबा के दर से कभी कोई खाली नहीं जाता, तो बाबा जी को हम भी एक रिक्वेस्ट लगा के आए हैं, और आप लोगों से भी चाहते हैं मेरे लिए दुआ करो कि बाबा श्याम हमारी वो रिक्वेस्ट सुन ले और वो पूरी हो जाए, तो फिर से हम बाबा के दर पर ज़रूर आएँगे, और अब बाबा बुलाते रहेंगे तो हम ज़रूर आएँगे। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, इस संसार में जितने भी ईश्वर देवी देवताएं गुरु जितने भी हैं सब एक हैं, तो मेरे लिए सब एक समान हैं, तो मैं किसी को कोई बड़ा या छोटा नहीं कहूँगा। हाँ, पर यहाँ पहली बार आया, बाबा के दर पर पहली बार आया, बहुत सुकून मिला, ठीक है भाई। और बात करें काम की तो आपको बताया आज प्राइवेट बुकिंग थी, जो कस्टमर को हम लेके आए हैं अंदर बैठे, अब इनको लेकर घर जाएंगे वापस, उसका ड्रॉप करके फाइनल अपडेट मैं आपको घर जाने से पहले ज़रूर दूँगा। और कितने में लेके आया, क्या मैंने पैसेंजर से फेयर लिया, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा भाई, वो थोड़ा सा वेट कीजिए, बताऊँगा जरूर, पर वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। बाकी आपको आगे अपडेट मैं करूँगा घर जाने से पहले जो भी रहेगा जी। गाइस कैसे आप सब लोग, तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं। अगर बात करें समय की तो भाई पहले आपको समय बताते हैं, 9:15 का टाइम हो रहा है, जस्ट 15 मिनट पहले ही घर पहुँचे हैं। और मैंने आपको बताया था भाई घर पहुँचने पर ही मैं आपको अपडेट करूँगा जो कुछ भी रहेगा फेयर। पता है मैंने सुबह से आपको ये नहीं बताया कि मैं जो मेरे प्राइवेट बुकिंग थी जिन पैसेंजर को मैं लुधियाना से खन्ना लेके गया और खन्ना से फिर वापस लुधियाना लेके आया, क्या फेयर था, क्या चार्ज किया मैंने उससे। मैंने आपको बताया था घर जाने पहुँचने पर मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो भाई आपको बता दें, आपको बताता 3 बजे घर से निकले थे, 9:15 का टाइम हो रहा है, लगभग 6 घंटे लग गए हैं भाई हमें अप डाउन आने में और घूमने फिरने में वहाँ पर, और वहाँ पर बैठे भी थे। तो जो हमारी गाड़ी चली टोटल चली भाई 90 किलोमीटर, 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना, तो 90 किलोमीटर गाड़ी चली है। और अगर बात करें गैस की तो इसमें हमारी गैस लगी है जी 400 रुपये की, और कस्टमर से हमने जो फेयर चार्ज किया वो किया 1800 रुपये। पहले हमारी कस्टमर से 2000 रुपये में बात हुई थी, पर उन्होंने कहा 2000 ज़्यादा कुछ कम करो, तो लास्ट हमारी जो बात हुई वो हुई 1800 रुपये में, 1800 रुपये हमने कस्टमर से लिए अप डाउन के, और 6 घंटे भी लग गए भाई। पर ये भाई मज़ा बहुत आया, फर्स्ट टाइम खाटू श्याम मंदिर गए थे, बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। काफ़ी टाइम से सोच रहा था भाई खाटू श्याम जाने के बारे में कि बाबा के दर्शन करने जाएंगे, पर जा नहीं पा रहे थे, पर आज बाबा ने बुला ही लिया, चाहे पैसेंजर के थ्रू ही जाना था मेरा लिखा, शायद जिनको आज मैं लेके गया उन्हीं के साथ जाना लिखा था, दर्शन करना लिखा था, चलो ये तो बाबा की माया, बाबा ही जाने। पर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, और आज काम भी हो गया, आपको बताया भाई 3 बजे निकले थे घर से, 9:15 का टाइम हो रहा है, और अच्छी इनकम हो गई है, जिसमें से आपको बताया 400 गैस लगी, 1400 रुपये मेरे सूखा सूखा बच गया, आज बहुत बढ़िया इनकम रही। और आप भाई क्या करें, देखो हम लोकल डेली काम करते हैं, जिसमें से हमें पता है कि शेयरिंग में ज़्यादातर हम चलते हैं, प्राइवेट बुकिंग बहुत कम आती है। जो ऐसे कुछ कस्टमर हैं जो हमने जोड़ रखे हैं, जैसे कभी कभी जिनकी हमें कॉल आ जाती है भाई घूमने फिरने के लिए जाना है, जैसे लुधियाना में कहीं भी घूमने फिरने के जाना है, तो कुछ हमारे कस्टमर हैं जो हमारे पक्के हैं, कभी कभी फ़ोन आ जाता है, जैसे आज कस्टमर का आ गया, तो आज पूरा दिन इनको इन्हीं पर ही हमारा टाइम लगा, इनको ही लेके गए, इनको ही लेके आए, और कोई हमने कोई काम नहीं किया। पर ऐसी प्राइवेट बुकिंग रोज़ रोज़ मिले तो भाई मज़ा ही आ जाए, पर रोज़ रोज़ नहीं मिलती भाई, भगवान ने सबके किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सबको रोटी देनी है, सबका पेट भरना है, और सबकी ज़रूरतें पूरी करनी है, वो अकेला मेरे का नहीं, सबका सोच के चलता है। तो प्राइवेट बुकिंग चलो, पर यह कि आज का दिन बहुत अच्छा निकल गया, जैसा भी था बहुत अच्छा निकला। और बात करें जो मैंने आपको बताया मेरे को 1400 रुपये बचे हैं, तो इसमें मैंने किसी को कुछ नहीं देना है भाई, ये मेरे अपने हैं, मेरी कोई गाड़ी की ईएमआई नहीं है, गाड़ी मेरी बिल्कुल फ्री है। और भाई लोग मैं आप सबसे एक बात करना चाहूँगा अपने मन की, तो भाई देखो मैं ये वीडियो जो भी बनाता हूँ आप लोग के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसको एडिटिंग करने में बोलने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा भाई कि मेरे तकरीबन 1K सब्सक्राइब होने वाले हैं, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई प्लीज़ अपने भाई के 1K सब्सक्राइबर पूरे करो, और बहुत खुशी मिलेगी। बाबा से भी मैं दुआ करता हूँ कि मेरे फटाफट 1K सब्सक्राइबर करें, और आप लोगों से भी प्रार्थना दुआ रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि अपने भाई के 1K सब्सक्राइबर पूरे करो, थोड़ा सा रह गए हैं, और जो 1K सब्सक्राइबर होने पर खुशी होगी ना भाई, वो खुशी भाई
देखने वाली होगी, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर करना बहुत ही मुश्किल है, और एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर तो अपने आप बढ़ते ही रहते हैं, और आप सभी की दुआ की वजह से ही ये 1K सब्सक्राइबर हो सकते हैं और आगे मैं बढ़ सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट है भाई लोग, आप सभी जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल में नया है, पहली बार आया है, सभी से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, आपसे मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में। तो जल्दी से भाई जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।